आज का टाइटल बोले तो मोहम्मद जाबुद्दीन इन बिहार, बाहुबली ऑफ जीवान, रिलेशन विद आरजेडीएन लालू यादव। कैम जो मजा मा भाई लोग, कल अपुन ने एक रावस वीडियो बनाया जिसमें भारत के टॉप 5 मुस्लिम गैंगस्टर की बात हुई। उस वीडियो में अपुन से गलती हुई, अपुन ने वीडियो में बोला कि डॉन साबुद्दीन जेल में है, मगर साबुद्दीन की कोरोना में डेथ हो गई। और हाँ, अपने बहुत सारे भाई लोग ने अपन को कमेंट कर बोला कि गुज्जू भाई साबुद्दीन की मृत्यु हो गई। उन सारे जिगरी भाई लोग को अपन दिल से लव यू बोलता रहे। बिडवा साबुद्दीन के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक की हक्की कहानी इधर देखने को मिलेगी। भाई लोग, साबुद्दीन की कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उसका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वह कहाँ के थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह कोने में खड़ी है। बिहार के बाहुबली मोहम्मद साबुद्दीन का देह अब दिल्ली की कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। भाई लोग, साबुद्दीन था शहंशाह, कैसे तो सुनो बिड़ू। साल था 2016 का सितंबर का महीना। जेल से मानो निकला एक जंगल का हाथी, जिसका स्वागत करने 1300 गाड़ियों का काफिला बाहर खड़ा था। काफिला गुजर रहे ला, टोल टैक्स वाले मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे ले। भारत के एक बड़े प्रदेश बिहार का सबसे खूंखार अपराधी, 1300 गाड़ियों का काफिला, जिसकी चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ और एक ही चिनारा गुंज रहे ला, वीर साबुद्दीन जय हो साबुद्दीन। बिडू, लालू के जंगल राज में साबुद्दीन जैसा गुंडा ही वोट बटोरता था। साबुद्दीन वह शख्सियत था जो जेल से भी जीत जाता था। साबुद्दीन का लैंडमार्क था बिहार का सिवान। सिवान में इसे चुनाव प्रचार करने की जरूरत ना थी, साहेब का नाम ही काफी था। एक दौर था जब साबुद्दीन की फोटो सिवान जिले की हर दुकान पे टंगी होती थी। अब जम्मान में टंगी होती थी या डर से, ये तो सिवान के लोग ही बता सकते हैं। मगर उस दौर में साबुद्दीन की फोटो को सलाम ठोकना जरूरी था। 80 का दौर था, भारतीय राजनीति में तनातनी का माहौल था। वही दौर में बिहार के सिवान जिले में सिविल सर्विसेज टॉपर आमिर जुबानी मुसलमानों के यंग छोकरे लोग के लिए उम्मीदों का चिराग बन के उभरे थे। वही नटवरलाल ठग के किस्से भी मशहूर थे। उसी टाइम पे और एक लौंडा अपनी जगह बना रहे ला। उसकी बॉडी में जवानी का जुनून गजब का, आंखों में काला सुरमा और कलेजे में 420 के वोल्ट का दौड़ता हुआ लाल खून, नाम था मोहम्मद साबुद्दीन। एक रोज उसका खोपड़ा सटक गया ला, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बिना साबुन पानी का धोपता डाला। इस कांड ने साबुद्दीन को अक्के जीवान में मशहूर कर डाला, जिसके बाद उसका नाम पड़ा साबू 1K47, जिसके चलते साल 1986 में पहली बार साबू 1K47 के खिलाफ सिवान के हुसैनगंज में FIR दर्ज हुई। यह पहला मामला था जब साबुद्दीन के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई। मगर अक्के जीवान को थोड़ी ना मालूम था कि FIR जिस बंदे के खिलाफ दर्ज हुई, वही बंदा आने वाले वक्त में अक्के बिहार का गैंगलॉर्ड बन के उभरेगा। वोच दौर में लालू दादा मुख्यमंत्री बनने के वास्ते साम दाम दंड भेद की नीति पे उतर आए ले। इधर साबुद्दीन की खोपड़ी में बुद्धि हाइपर हो गए ली, घुस गए ला लालू यादव की टोली में। भाई लोग, भारतीय संविधान के हिसाब से विधायक बनने के वास्ते कम से कम 25 की उम्र होनी चाहिए। इधर देखो, साबुद्दीन 23 की उम्र में 1990 में पहली बार विधायक बना, फिर 2 बार विधायक, 4 बार सांसद बना। भाई लोग, आज भी बिहार में साबुद्दीन और लालू की दोस्ती के किस्से मशहूर है। साबुद्दीन कहता प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी बने, मगर साला अपुन के लिए मुख्यमंत्री अपना लालू भाविच रहेगा। और आगे चलकर लालू के राजनीतिक पावर के चलते साबुद्दीन ने अपहरण और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर डाला। दादा का अपना एक स्टाइल था, आंखों पे ब्लैक गॉगल्स, बॉडी पे सफेद कपड़ा, चलता तो हाथों में भारतीय संविधान लेके चलता और हिंदी उर्दू अंग्रेजी ऐसे बोलता कि सामने वाले को हैंग कर डालता। भाई लोग, बिहार के कई पत्रकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि साबुद्दीन के दौर में अक्के जीवान में डॉक्टर लोग फीस के नाम पर भक्त 50 रुपया लेते थे, क्योंकि ये साहेब का फरमान था। रात के 8 बजे के बाद अक्का जीवान मानो शमशान बन जाता, क्योंकि लोग साहेब के डर के मारे अंधेरी रातों को देखना नहीं चाहते थे। सिवान का चाहे कितना भी रईस आदमी क्यों ना, महंगी चीजें कभी ना खरीदता, वरना साहेब की रडार में आ जाता तो रंगदारी देना फाइनल। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो ये भी ना बताते कि उसकी चिल्लर पार्टी किधर नौकरी कर रहे ली। तो भाई लोग, लालू दादा के राज में
साहेब का जीवन बस ऐसा था, मगर अब अपराध करते करते साहेब इतना आगे निकल चुका था कि सिवान के बेबस और लाचार लोग साहेब की दहलीज पर आने लगे। साहेब के घर दरबार लगने लगा। किसी का घर किसी ने हड़प लिया तो साहेब की अक्खी टोली जाती, सामने वाले के कारजे में पित्तल की गोली ठोक देती। भाई लोग आम लोग तो दूर की बात है, मगर खुद पुलिस वाले भी साहेब के दरबार में जाते थे। साहेब एक घंटी बजाता और उस पुलिस वाले का प्रमोशन हो जाता। यह बात है साल 2001 की। साबुद्दीन ने एक बड़े पुलिस अफसर को थप्पड़ झाड़ दिया। इधर पुलिस वाले का ईगो हट हुए की पुलिस फोर्स निकल पड़ी साहेब के दरबार में डंका बजाने, मगर साला उल्टा हो गया। साबुद्दीन के आदमखोरों की अक्की टोली ने अक्की पुलिस फोर्स के ऊपर AK-47 से धावा बोल दिया। चारों ओर मांसों के चितड़े पड़े थे, खून मानो पानी की तरह बहा। जब गोलीबारी थमी, धुआं हटा तो 8 पुलिस वाले की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। इधर साहेब को लगा अपुन की कोई पुंगी बजाए उससे पहले कल्टी मार लो, दादा भागा डायरेक्ट नेपाल। फिर 1999 में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को उठा लिया, जिसका आज तक कोई अता पता ना है। वोइच कांड में 2003 में साहेब पुलिस के हत्थे चढ़ा, मगर साबुद्दीन ने प्रशासन को ऐसा गोलगप्पा खिलाया कि जेल के नाम पर हॉस्पिटल में रहा, जहां पुलिस से ज्यादा उसके आदमी होते थे, वो भी हथियारों से लैस। 2004 में बिना प्रचार के जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता भी। ओम प्रकाश यादव उसके खिलाफ खड़े थे। चुनाव खत्म होने के बाद उसके 8 कार्यकर्ताओं को काट डाला। 2005 आते आते बिहार राजनीति में अब नए मोहरे अपने दांव पेच खेल रहे थे, जिसके चलते साबुद्दीन के घर रेड पड़ी, जहां से हथियार बम ग्रेनेड मिले जो पाकिस्तानी बनावट के थे। ये भी साबित हुए कि साबुद्दीन के ISI के साथ संबंध है, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर को ठुकवा दिया, वहीं JNU के छात्र चंद्रशेखर को मरवाया। अब बात करें उस कांड की जिसने साहेब के साम्राज्य को हिलाकर रख डाला। 2004 में साबुद्दीन ने 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला, क्योंकि रंगदारी को लेकर साहेब के छोकरे लोग और राजीव के भाइयों के बीच तुतुमे हो गए। अपने दोनों भाइयों के केस में राजीव एकमात्र गवाह था। 2014 में साबुद्दीन ने उसे भी मरवा दिया, मगर साबुद्दीन पर और भी हत्या के अनगिनत केस थे, जिसके चलते उसे दिल्ली की तिहाड़ में रखा गया, मगर कोरोना आया और साबुद्दीन को ले गया। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।